चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट वेवलेंथ दिया हुआ है, 92 फ्रिंजेस आर सीन इफ कलर लैम्डा की वैल्यू दी हुई है यूज, हाउ मेनी फ्रिंजेस विल बी सीन। देखो इसमें क्वेश्चन समझना जरूरी है, जैसे एक स्क्रीन है ठीक है, और यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ एक एस वन है ओपनिंग, एक यहाँ एस टू है, एस वन एस टू ठीक है। तो अगर इसकी जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, जो लास्ट ब्राइट फ्रिंज है वो बन रही है 92, यहाँ पर 92 फ्रिंज बन रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी पहले वेवलेंथ की, अगर ये वेवलेंथ यूज किया जा रहा है लैम्डा वन, इसको लैम्डा वन कंसिडर कर लें, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी लैम्डा वन एंथ एन वन ब्राइट फ्रिंज की वो कितनी होगी, ब्राइट फ्रिंज के अकॉर्डिंग एन वन लैम्डा वन डी बाई स्मॉल डी होगी। अब उसी एक्सपेरिमेंट में अगर कलर चेंज कर दिया जाए, ठीक है कलर हम चेंज कर दें, और उतने ही सेम डिस्टेंस पे यहां पर कितने ब्राइट फ्रिंज बनेंगे, जैसे ये एन टू और ये एन वन मान लो, एन वन इज इक्वल टू 92, यानी 92 ब्राइट फ्रिंज यहां बन रही है आखिरी, ठीक है यहां पर, तो वहीं पे ये जो दूसरी वेवलेंथ हमने यूज की लैम्डा टू, इस वैल्यू को लैम्डा टू कंसिडर कर लो, तो उसी डिस्टेंस पे यहां पर कितनी ब्राइट फ्रिंज, कौथी ब्राइट फ्रिंज यहां पर बनेगी, यानी वाई लैम्डा टू एन टू की वैल्यू जो होती है एन टू लैम्डा टू डी बाई स्मॉल डी। तो सेम पोजिशन पे, पोजिशन सेम होने का मतलब वाई की वैल्यू सेम हो गई, यानी y लैम्डा वन एन वन इज इक्वल टू y लैम्डा टू एन टू, यानी पहले वेवलेंथ की जो पोजीशन है, पहले वेवलेंथ की जो एन वन ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसकी पोजीशन, और दूसरे वेवलेंथ की जो एन टू ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसकी पोजीशन दोनों सेम है, यानी एन वन लैम्डा वन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, एन टू लैम्डा टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी कट जाएगा तो आएगा कितना, एन वन लैमडा वन इज इक्वल टू एन टू लैमडा टू। अब इसी को सॉल्व कर लेना, आपको ये पोजीशन सेम है, ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस एज्यूम करे वाई है तो ये भी डिस्टेंस आपकी वाई है सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो एन वन की वैल्यू है 92, लैमडा वन की वैल्यू है 58 सोडियम लाइट है ना, 58 है एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू एन टू की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा टू है 5461, तो एन टू इज इक्वल टू 92 इंटू 5898 डिवाइडेड बाई 5461। अगर आप इसे सॉल्व करोगे, मैं कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ, एक मिनट कैलकुलेटर का मैं यूज कर ले रहा हूँ, 92 मल्टीप्लाइड बाई 5898 ये आएगा इतना, डिवाइडेड बाई 5461, ये ऑलमोस्ट आ रहा 99.36 आ रहा है, यानी इसको 99 बोल सकते हैं, 99.36 आ रहा है, यानी जो नंबर ऑफ फ्रिंज जो वहां बनेगी उस पोजीशन पे, सेम पोजीशन पे, वो दूसरे वेवलेंथ की यानी 5461 की 99th फ्रिंज यहां पर सेम पोजीशन पे, यानी ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की जो ओरिजिन है, अगर ओरिजिन यहाँ पर सेंटर मान लिया जाए सेंटर, तो ये सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पर पहली वेवलेंथ 92 वाली फ्रिंज बना रही है, तो दूसरी वाली वेवलेंथ सेम पोजीशन पे 99th फ्रिंज बनाएगी, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।